Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 10 challenges of nation buildings. Our next topic is Kashmir problem. तो इससे पहले हमने क्या है प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिया के अंदर क्या है जो प्रिंसली स्टेट्स है 565 के आसपास उसको क्या है जो हमारे होम मिनिस्टर थे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको इंटीग्रेट करने के अंदर क्या है काफ़ी अहम रोल अपनाया था. तो उनको मेनली जो चार प्रिंसली स्टेट है उसमें प्रॉब्लम थी एक कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के साथ आई हैदराबाद जूनागढ़ और मणिपुर. तो इन चार जिन जिन के साथ ये प्रॉब्लम आई थी हम उनके बारे में करेंगे. तो आज हम क्या है कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जो आज भी लेटेस्ट है. बाकी हमारी तीनों सॉल्यूशन हो चुकी उसी टाइम हो चुकी थी. हैदराबाद की भी इशू में नहीं है मणिपुर में भी कुछ ज़्यादा नहीं थी और जूनागढ़ की. कश्मीर प्रॉब्लम्स के बारे में क्या है ज़्यादा नहीं दे रखा है एनसीईआरटी की बुक्स में तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं. तो कश्मीर प्रॉब्लम्स एक ऐसा मतलब मुद्दा है जो तब से लेकर के 1948 से लेकर के अब तक बना हुआ है. आज भी क्या है पॉलिटिशियंस के रूप में आप दे सकते हो या इंडिया और पाकिस्तान के रूप में दे सकते हो अगर दोनों कंट्री के बीच में कोई वार होता तो इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है ज़्यादातर प्रॉब्लम. तो ये कश्मीर प्रॉब्लम्स है. तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के पश्चात ही जो मुस्लिम राज्य है मेनली जो जम्मू कश्मीर है वो अलग से एक क्या है फ्री स्टेट था यानी प्रिंस स्टेट था जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह. वो क्या है जम्मू और कश्मीर के ऊपर शासन करते थे. तो इसलिए क्या है जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग बन चुके थे तो हर एक क्या है जो प्रिंस स्टेट थे वो मिलना चाहती थी लेकिन जम्मू कश्मीर ना तो क्या है इंडिया के साथ मिलना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता वो एक अपना फ्री स्टेट अलग से फ्री स्टेट रखना चाहता था उस टाइम की सिचुएशन के अंदर. लेकिन दोनों के अलग होने के बाद ही जैसे 15 अगस्त को जैसे 1947 के बाद एक समझौता हुआ था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट या तो इंडिया में शामिल हो सकता है या पाकिस्तान में शामिल हो सकता है लेकिन जम्मू कश्मीर दोनों में से किसी में शामिल नहीं होना चाहता था. लेकिन पाकिस्तान ने क्या है इसका फ़ायदा उठाया और 22 अक्टूबर 1947 को WNWFP ये जो इंडिया के पाकिस्तान के साथ मर्ज किया गया था आपको बताया भी गया था पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है जिसके अंदर ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं तो उस एरियाज ने क्या है अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर. पाकिस्तान मिलिट्री ने नहीं किया वहाँ के जो पठान है कहा जाता है मतलब कि नाम उनका जिस तरह से अब कह देते हैं कि आतंकवादियों ने किया पाकिस्तान की मिलिट्री का क्या है कम नेम लिया जाता है आतंकवादियों का लिया जाता है उसी तरह उस समय भी क्या है शस्त्रों के साथ वेपन्स के साथ क्या पठान कबीलों के कुछ लोगों ने क्या है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया वार कर दिया अटैक कर दिया वारवी ने अटैक कर दिया. तो इसके लिए जो किंग थे वहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या है इंडिया से हेल्प मांगी कि वो क्या है इंडिया की हेल्प कर दें. इंडिया ने क्या है हेल्प करने से इनकार कर दिया. इंडिया ने कहा कि जब तक क्या है राजा हरि सिंह इंडिया के अंदर यानी अपने प्रिंसिपल स्टेट को इंडिया के अंदर शामिल नहीं कर सकते तब तक वो क्या है उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे वो किसी तरह के वार में उनका साथ नहीं दे सकते. वो सिर्फ क्या है एक ही कंडीशन के ऊपर उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो है इंस्टीट्यूट मेंट ऑफ असेसन यानी जो असेसन का इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने का तीन फॉर्मूले बताए थे इंडिया ने इंटीग्रेट होने के लिए एक था इंटीग्रेशन दूसरा था असेसन और तीसरा था डेमोक्रेसी. तो असेसन के ऊपर क्या है अगर वो सिग्नेचर कर दे तो ही क्या है वो जम्मू कश्मीर इंडिया का अंग बन जाएगा और इंडिया क्या है उनकी हेल्प कर सकेगा. तो महाराजा इसके लिए सहमत हो गए लेकिन उस समय वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी काम करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी काफ़ी फेमस पार्टी है और ज़्यादातर कई बार एंटी के रूप में भी काम करती है अभी भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वहाँ पर. उस समय उनके जो लीडर थे शेख अब्दुल्ला वो जम्मू कश्मीर को क्या है एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे और वो क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे फ्रेंड भी थे. तो उन्होंने भी क्या है इसके लिए सहमति दे दी कि वो क्या है इसके ऊपर सिग्नेचर कर दें. तो इसलिए 27 अक्टूबर 1947 को क्या है राजा हरि सिंह ने क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के ऊपर सिग्नेचर कर दिए. यह बात क्या है पाकिस्तान को हजम नहीं अब तक क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के 1/3 पार्ट के ऊपर अपना कब्जा कर चुका था अटैक कर चुका था यानी उसको अपने कब्जे में ले चुका था जब तक ये साइन किए थे 1/3 जम्मू कश्मीर का जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में जिसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है उसको अपने कब्जे में क्या है ले चुका था. तो साइन करने के बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उस समय के जो गवर्नर जनरल भी कह सकते हो या जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है उनको क्या है
वहाँ पर उस समय गवर्नर जनरल के पास थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या है लेफ्टिनेंट जनरल जो थे मिलिट्री के डैगलोस ग्रेसी उनको ऑर्डर दिया कि वो भी क्या है अटैक कर दे और अपनी मिलिट्री क्या है जम्मू कश्मीर की तरफ भेज दे। तो यहाँ से इधर से क्या इंडियन आर्मी चली गई और उधर से पाकिस्तान की आर्मी भी आ जाती है, दोनों के बीच में एक तरह से वार होता है 1947 में। तो 1 जनवरी 1948 को जब वार चल भी रहा था उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है सिग्नेचर तो हो चुके थे, सिग्नेचर के कारण असेसन के सिग्नेचर के कारण क्या है जम्मू कश्मीर किसका था, इंडिया का एक पार्ट बन चुका था। तो इन्होंने यूएनओ के अंदर रिपोर्ट कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके माउंटबेटन जो उस समय क्या है वायसराय भी बनाए गए थे इंडिया के, आज़ाद इंडिया के, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट तो बनी नहीं थी तो एक अंग्रेज अधिकारी ही क्या है इंडिया का वायसराय था। तो माउंटबेटन की क्या है परमिशन से बोल सकते हो, एडवाइस से बोल सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है इसको यूएनओ के अंदर डाल दिया। इसके किसके अकॉर्डिंग आर्टिकल अकॉर्डिंग यूएनओ का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 34 और 35 में लिखा है कि उसका मेंबर किसी तरह की प्रॉब्लम में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो इस तरह की प्रॉब्लम डाल सकता है, तो डाल दिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा यूएनओ के अंदर जाए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री के दम पर हम क्या है पाकिस्तान से जीत करके इसको आसानी से मिटा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुद्दा यूएनओ में पेश कर दिया, 20 जैन युद्ध चल रहा था उस टाइम भी 1948 को, यूएनसीआईपी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएनसीआईपी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्या है एक कमीशन बनाया गया किसके द्वारा यूएनओ के द्वारा, जिसमें पहले 3 मेंबर थे बाद में इसके 5 मेंबर कर दिए गए। इसने कहा कि जैसी कंडीशन रखी गई थी 26 अक्टूबर को जो लेटर दिया था उसमें कंडीशन लगी गई थी कि जैसे ही हालात क्या होंगे नॉर्मल हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में वहाँ रेफरेंडम कराया जाएगा। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, यानी लोगों के ओपिनियन लिए जाएंगे कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं इंडिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी गलती थी ये कंडीशन रखना, बाकी किसी भी क्या है प्रिंस स्टेट के साथ ये कंडीशन नहीं रखी गई, सिर्फ इसी के साथ रखी गई थी कि जनमत संग्रह वहाँ पर करवाएंगे, जो आज भी क्या है इंडिया के गले की फांस बनी हुई है उस लेटर की परमिशन के अंदर, क्योंकि आज तक क्या है इस तरह का जन्म संग्रह नहीं हो पाया। तो इस तरह का क्या है 5 मेंबर बना दिए गए, तो वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें एक आ गया कि जैसे ही यहाँ पर माहौल शांत होता है यूएनओ की अध्यक्षता के अंदर क्या है वहाँ पर क्या है जनमत संग्रह करवा दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर जिसमें शामिल होना चाहता है उसकी पब्लिक उसमें शामिल हो सकती है। तो इस कंडीशन पे क्या है दोनों सहमत हो गए और 1 जनवरी 1949 को क्या पाकिस्तान ने अपनी सेना वापस बुला ली। लेकिन जो हिस्से में जम्मू कश्मीर था उससे उन्होंने क्या है जिसके ऊपर कब्जा किया था पाकिस्तान ने उसको उन्होंने फ्री नहीं किया, वो आज भी क्या है उसके कब्जे में, बाकी जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है तो वहाँ से सेना नहीं बुलाई। तो इसलिए आज भी क्या है हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में वो कंडीशन है कि वहाँ पर जन्म संग्रह करवा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जन्म संग्रह अब तक नहीं हो पाया। 24 जनवरी 1949 को यूएनसीपी ने क्या है सीज फायर लाइन, यानी सीज फायर लाइन बना दी, युद्ध विराम लकीर जिसको बोलते हैं वो तैयार की, जो बाद में 1972 में जिसको एलओसी का नाम दिया या एलएसी का नाम दिया गया, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी बोला जाता है ज़्यादातर जगह और एलएसी का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी दोनों के बीच में पूछ भी लिया जाता था कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है बाउंड्री लाइन है उसको क्या नाम देते हैं, तो पहले सीज फायर लाइन था, आपको सिर्फ आज का नेम बताना है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है एलओसी के नाम से ही, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से इसको क्या है दोबारा नाम दे दिया गया। तो ये क्या है कश्मीर का मुद्दा हम ये भी नहीं कह सकते कि आज तक ये बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्यूशन हो, लेकिन फिर भी क्या है 1965 तक इस मुद्दे ऊपर कोई बहस नहीं हुई, यानी 1949 से लेकर के 65 तक बीच के अंदर कोई ये मुद्दा कहीं पर भी नहीं आया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर क्या है कुछ जम्मू कश्मीर हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में और बाकी इंडिया के पास था। तो उस 1965 तक जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या लाल बहादुर शास्त्री थे इस मुद्दे को कहीं पर भी नहीं गरमाया गया, लेकिन जैसे जैसे एंटी पार्टियां बनेगी और मेनली भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 1980 के अंदर इसका क्या है स्थापना हुई है ये एस्टेब्लिश हुई है, उसके बाद जैसे जैसे आई ये मुद्दा दोबारा से गरमाने लगा और 1989 और 99 के अंदर जब क्या है भारतीय जनता पार्टी की पहली जो सरकार बनी थी पहले 13 दिन फिर 13 मंथ्स के आसपास और फिर 5 ईयर्स के बाद, तो यह मुद्दा दोबारा से होगा, कारगिल वार जो हुआ था वो इसी मुद्दे के ऊपर हुआ था। तो इसलिए क्या है यह मुद्दा आज भी है क्योंकि बीजेपी जो है वो
370 आर्टिकल और 35 आर्टिकल को समाप्त करना चाहती है, जिससे जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जब वो कभी भी नहीं समाप्त करना चाहती, तो इसलिए क्या है मुद्दा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, कश्मीर प्रॉब्लम्स है जो तब से लेकर के आज तक भी क्या है बनी हुई है। ओके, थैंक यू।